हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कटारे, कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। आज की इस क्लास में दोस्तों एक करंट अफेयर का टॉपिक है जिसमें एफएटीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। एफएटीएफ एक संगठन है, पाकिस्तान को लेकर के ये फिलहाल चर्चा में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करके इसका पूरा नाम रहता है। तो ये जो एफएटीएफ है क्या है, क्या इसका रोल रहता है, इसको हम समझ लेंगे। इसका आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मुख्य परीक्षा में टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज, और प्रीलिम्स में तो ये कहीं भी आ सकता है। ये उनके लिए, उन देशों के अगेंस्ट काम करता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ ये एक्शन लेता है, राइट। तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स को संक्षिप्त में हम एफएटीएफ के नाम से जानते हैं। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। जो G7 ग्रुप है, जो देश पूरे विश्व के जो विकसित देश हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अभी 38 देश जो हैं वो इसके मेंबर हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में है। ये संस्था आतंकवाद या दूसरे देशों में हिंसा फैलाने वाले जो गुट होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, या कई बारी क्या देखने को मिलता है कि सरकारें भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका सबसे बेस्ट आइडियल एग्जाम्पल हो जाता है। तो बिना फाइनेंस, बिना फंडिंग के ना तो टेररिज्म काम कर सकता है, ना गरीबी दूर हो सकती है। तो यहाँ पर फाइनेंस से जुड़े मामलों पर ये वर्ल्ड लेवल पर नजर रखता है, क्योंकि दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो करना है तो उसके लिए क्या होगा, आपको फंड ट्रांसफर करने होंगे। तो एफएटीएफ एक प्रकार से जिस देश को क्लीन चिट दे दे, तो इसका मतलब है कि विश्व बिरादरी में वर्ल्ड लेवल पर उसकी इमेज एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो यदि उसे लोन लेना होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ हो गया, तो आसानी से उसे कर्ज मिल जाता है। लेकिन एफएटीएफ अगर उसको रोक देता है, अपनी कोई रिपोर्ट ऐसी बना देता है, तो फिर उसके सामने समस्याएं आती हैं। मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे आईएमएफ से लोन लें या वर्ल्ड बैंक से लोन लें तो उनकी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, बट इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर भी वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक देश के लिए अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है। तो चीन के हैं ये, जियांग मिन लियू करके। 1 जुलाई 2019 को ये इसके चेयरमैन बने हुए हैं। इसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के मार्शल विलिंग सेला जो थे वो इसके चेयरमैन थे, राइट। तो ऑब्जेक्टिव हमें मालूम चल गया, शॉर्ट में ही देख लिया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफएटीएफ आर टू सेट स्टैंडर्ड्स, नियम बनाएगा, पैरामीटर तैयार करेगा, किस बात को लेकर के लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा कि आतंकवाद या हिंसा से जुड़ी घटनाओं को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं करता है। तो प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, भारत इसका मेंबर है या नहीं, इसको लेकर के भी क्यूरियोसिटी हो सकती है। हाँ, भारत इसका मेंबर, देखें, ऑब्जर्वर है। 2006 से इसका ऑब्जर्वर बनाया गया था, बाद में इसको मेंबरशिप दे दी गई। जून 25, 2010 इंडिया वॉज टेकन इन एज द 34th कंट्री मेंबर ऑफ एफएटीएफ। ठीक, अब एफएटीएफ का रोल कब बढ़ा था, जब 9/11 हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड टावर वहां पर प्लेन क्रैश कर दिए गए थे तालिबान, तो फिर ये कहाँ से फंड रिलीज होता है। तो फिर यहाँ विकसित देशों ने इस पर काफी हद तक काम किया था, एक्शन लेने की बात की थी, राइट। अभी हमें पढ़ने को मिलता है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो इस समय ग्रे लिस्ट में है, अब इसे ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का क्या मीनिंग होता है ये भी समझ लें। जब किसी भी देश पर ऐसे आरोप लगते हैं कि उसने टेररिस्ट को या हिंसा फैलाने वाले एलिमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन को जो हेल्प की है, तो उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि उनको लोन नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें फाइनेंशियल एड होगी वो नहीं मिलेगी, तो उसको ही हम यहाँ पर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट के नाम से जानते हैं, राइट। अगर रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैवी इम्पोज कर दिए गए, पूरा उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, तो उसे ब्लैक लिस्ट नाम दे देते हैं। और चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आप
को हमने ये लिस्ट बना के दिए, इन पे अगर ठीक से काम कर लोगे तो हम आपको बाहर कर देंगे। तो जो कम कठोर प्रतिबंध होते हैं उसको हम ग्रे लिस्ट के नाम से जानते हैं, राइट। तो ब्लैक लिस्टेड जो कंट्री ये क्या रहते हैं कि इसमें चूंकि ये फाइनेंशियल एक्शन ट्रांजेक्शन फोर्स है एक प्रकार से, तो इकोनॉमिक सेंक्शंस लगाए जाएंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और आर्थिक प्रतिबंध ही किसी देश की कमर तोड़ने के लिए आज की डेट में काफी कारगर होते हैं, है ना। इसके अलावा अदर प्रोविजन मेजर्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें वो काफी कुछ हद तक उनके पक्ष को भी सुनेगा, देखेगा। अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में आ जाता है या ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या है? ऑफिशियली FATF में ना तो कोई ग्रे लिस्ट है और ना ही कोई ब्लैक लिस्ट है ना। तो ये ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है, बस वही है कि प्रतिबंध के आधार पर अगर FATF को, जो उनके ग्रुप है, उनकी कमेटी है, ऐसा लगता है कि कोई देश टेरर फाइनेंस कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और इसके लिए उनके पास कुछ एविडेंस आ गए हैं, है ना, और उसके बाद वार्निंग देने पर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो ऐसे देश को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट में डालने का अर्थ सिंपल सा ये हो जाता है कि ना तो इन्हें वर्ल्ड बैंक से कोई हेल्प मिलनी है, ना IMF से मिलनी है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इन्हें किसी भी तरह का कोई लोन नहीं मिल सकता। ग्रे लिस्ट उन देशों को रखा जाता है जिन पर डाउट है कि वो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पर अभी एविडेंस इतने नहीं मिले, उन्हें चेतावनी दिए, उन्हें हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी देश की गवर्नमेंट को नहीं पता, लेकिन उस गवर्नमेंट में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। हम भारत में ही देख सकते हैं, किसानों ने बंद का आयोजन किया और वहां पर जाकर के खालिस्तान वाले वहां अपना एजेंडा चला रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट को नहीं पता है फिर भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो उनके खिलाफ उन्हें वार्न किया जाता है कि आप इसके खिलाफ एक्शन लें, तो उस दौर में इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, यानी इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ठीक। FATF इसके लिए उन्हें लिस्ट दे सकता है कि ये हमारे 10 पैरामीटर हैं या 15 पैरामीटर हैं, 15 में से आप 15 पूरा कर लोगे तो हम ग्रे लिस्ट से आपको बाहर कर देंगे, अगर 15 में से आपने 10 पूरे किए तो अभी आप ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रहो, है ना। समय समय पर इसका रिव्यू किया जाता है, ठीक। इसके लिए वो अपनी टीम, अपने एक्सपर्ट्स को उस देश में भेज सकता है। अब आते हैं हम पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर। तो पाकिस्तान दूसरी बार ग्रे लिस्ट में है ना। पाकिस्तान प्रीवियस 3 ईयर, लास्ट 3 साल से ग्रे लिस्ट में है, 2018 से वो ग्रे लिस्ट में चल रहा है, 2021 है, इवन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय अभी मीटिंग चल रही है FATF की, उसमें डिसीजन होना है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए कि नहीं डाला जाए। पिछले साल 23 पॉइंट इन पाकिस्तान को दिए थे, 23 शर्तें दी गई थी कि आप इनका पालन कीजिए, अगर पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा कर लेता है तो उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर देंगे। अच्छा, शर्तें पूरी की नहीं की, इसके लिए आपको एविडेंस देने होंगे। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि दिखावे के लिए वहां सरकार होती है, जो कुछ रहता है वो सब आर्मी का रोल है, तो अभी इमरान खान की जो सरकार है वो कुछ विशेष एक्शन ले नहीं पा रही है, वहां किसी की भी सरकार हो आर्मी का इतना ज्यादा इंटरफियर होता है कि वो लोग एक्शन ले ही नहीं पाते, राइट। 2012 में पहले पाकिस्तान इस लिस्ट में आया था, 2015 में जब उसको काम सौंपे गए थे वो उसने दिखा दिए तो इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, 2018 में फिर उसके खिलाफ पक्के एविडेंस मिलते हैं, अलकायदा हुआ, हजरत जो लश्करे तोयबा हुआ, इवन हुआ जो वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आक्रमण किया था उसामा बिन लादेन ने, पाकिस्तान के ही वहां पर छिपा हुआ था। तो इससे ज्यादा बड़े सबूत क्या होंगे कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंस कर रहा है। भारत ने तो 26/11 भी देखा था मुंबई पर, पाकिस्तान के ही आतंकवादी आए हुए थे, राइट। 27 में से 21 शर्तें ही पाकिस्तान ने पूरी की हुई है, राइट। तो ये पाकिस्तान, अच्छा यहां पर जो FATF के चेयरमैन की बात कर रहे हैं मार्च पहला, तो वो एक टास्क फोर्स के दौरान उसके अध्यक्ष एक प्रकार से बनाए, वैसे तो अभी वर्तमान में चीन के थे, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई हो, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई हो उसमें कोई एरर रह गया हो, तो मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगा कि ऐसे फैक्ट को आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हो सकता है ना कुछ और। तो 27 में से 21 पॉइंट तो उसने पूरे कर लिए जो सरल थे, उनमें कुछ विशेष नहीं था, जो 6 पॉइंट बचे वही मेजर थे, उन पर उसे अपना परफॉर्मेंस करके दिखाना था, एविडेंस देने थे, टाइम लिमिट भी दी जाती है, वो टाइम लिमिट समाप्त हो गई है ना। तो अब उसको लेकर के इसको देखा जा सकता है।
तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, बाकी इंफॉर्मेशन आप जब करंट अफेयर यानी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ से आपको ये तैयार करते रहना चाहिए ऐसी चीज़ें। स्टेट पीएससी में, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यूपीएससी में तो लार्ज लेवल पे पूछ सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में आप पे उस पर वो सब डिस्कशन हो जाए इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, तो ये कितना फ्रूटफुल है नहीं उसको लेकर। ओके, इसी प्रकार से एक शॉर्ट वीडियो अगली क्लास में जल्दी ही मिलेगा। सो लाइक कर दें, शेयर कर दें, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एज यूजुअल तो उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।